यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। बैठक बुलाने से कोई विपक्षी एकता नहीं होती है, एकता कोई बैठकों में नहीं होती है, 1:1 बातचीत करने से होती है। अगर नीतीश कुमार जाते बंगाल, बैठाते ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीएम को और कहते कि पंचायत का चुनाव मिलकर लड़ना और मिलकर लड़ो और लड़ने की तैयार होते तब ना कोई एकता होती। या उत्तर प्रदेश जाते और अखिलेश यादव को कहते कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में कि कांग्रेस यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस छोड़ो। तो हर राज्य जो क्षेत्रीय दल है वो तो कांग्रेस को पसंद ही नहीं कर रहा, वो तो चाहता है कि कांग्रेस उनके राज्य में चुनाव न लड़े। यानी विपक्षी एकता की परिभाषा क्या है? The agenda is not anti anybody. The agenda is pro India. The agenda is pro people. The agenda is pro constitution. The agenda is pro not making a gas cylinder 1200 rupees and keeping it to 500 rupees. The agenda is to give jobs to young people. The agenda is you can't be fiddling around with federalism and interfering. There's so much on the agenda, but I don't want to say anything more than this. हम तो सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है, तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। ये काफी लोग कौन हैं जो परिवारनिष्ठ पार्टियों के मुखिया हैं और उनकी राजनीति परिवारनिष्ठ है, परिवार स्वार्थ परमो धर्मा। दूसरे कौन लोग जुटे हुए हैं जो भ्रष्टाचार में या तो जेल जा चुके हैं, कोर्ट से कन्विक्ट हो गए हैं या कन्विक्शन होने के प्रोसेस में हैं, केस चल रहे हैं। तो ऐसे लोग आकर के एक ईमानदार प्रभावी नेता नरेंद्र मोदी जी के विकल्प की तलाश करने आए हैं, तो इनका कोई विकल्प नहीं है। साधारणतः जैसा सबसे महत्वाचार प्रश्न से चर्चा करना एक त्याच्यानंतर देशाच्या काही राज्यामध्ये जसं नाही होऊ किंवा काय आणि या नात्या निमित्तानं एक प्रकारची रस्त्यावर उतरणं आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करणं हे जे कृत्य होतं त्याला विशेषतः जिथं नॉन बीजेपी राज्य आहेत त्या राज्यात हे जास्त होतं आहे, त्यामुळे याच्या मागं कोण आहे हे स्पष्ट होतं आहे। हे देशाच्या दिशेने योग्य नाही, या सगळ्या गोष्टीच्या वरतीच एकत्रित विचार करून पुढची लाईन ठरवावी एवढाच त्याचा विषय। बाकी काय जे अन्य राज्यातले लोक काही मुद्दे उपस्थित करण्याची शक्यता नकारता येत नाही, पण ते मी आज सांगू शकत नाही। सभी
जो प्रमुख दल है, मैं विपक्षी दल नहीं कहूंगा, जो इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र यहाँ इस देश में रहे, एक डर है कि 2024 के आखिरी चुनाव होगी, उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, उसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे। और 1-to-1 कैंडिडेट राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, तो चर्चा होगी और मंथन होगा, चिंतन होगा, सब कुछ होगा। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। ऑल ऑफ राहुल गांधी's इंटरनेशनल विजिट्स are shrouded in mystery. We do not know where he goes. We do not know who he meets. Those people who he meets are all of questionable integrity. Whereas the Prime Minister has gone outside of India, each time he has gone outside of India, the Prime Minister has brought great respect for the nation, and he has made sure that the country tremendously benefits. Samucha vipaksh kaan khol karke sun le, tumhari alochana kaak ke shraap ki tarah hai. Aap jitni alochana karoge utna hi jaise heere ko tarasha jata hai aur wo nikharta hai, usi prakar se 2024 ke chunav mein पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बैठक आज पटना में होनी है, दूसरी तरफ लगातार नए नए पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त आपको बीजेपी कार्यालय के सामने लगा एक पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर है, साथ ही साथ शाहरुख खान जो बॉलीवुड स्टार है उनकी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया है। और शाहरुख खान जिस अंदाज में बैठे हैं, ये उनकी मूवी थी देवदास जिसके डायलॉग लिखे गए हैं, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि परिवार ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कहा शहर छोड़ दो। और इसी तर्ज पे राहुल गांधी की तस्वीर नीचे नजर आती है जहां लिखा है ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो और अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो। स्टालिन का भी जिक्र है और साथ ही साथ ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि अब तो तमिलनाडु छेड़ने की भी बात कही जा रही है। मतलब ये कि कांग्रेस का हाल जो इस विपक्षी एकजुटता वाली बैठक में है उसे लेकर पोस्टर के सहारे तंज कसा गया है।